जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। बरसात के दिनों में बाढ़, भूस्खलन और मकानों के ढहने से सैकड़ों लोगों का जान गंवा बैठना जैसे हर साल की स्थायी स्थिति बन चुकी है। इस साल भी अब तक महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में बरसात से काफ़ी तबाही मच चुकी है। अकेले महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में करीब 150 लोग मारे जा चुके हैं। 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आने वाले दिनों में और भारी बरसात की चेतावनी की जा चुकी है। बरसात के समय मचने वाली इस तबाही की वजहें छिपी नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि पिछले कुछ सालों में पहले की अपेक्षा अधिक बारिश हो रही है। यह जरूर है कि बरसात की प्रकृति में कुछ बदलाव आया है, मगर इससे ज़्यादातर परेशानियां अनियोजित शहरी विकास, जल निकासी के रास्तों में अवरोध, नदियों के पाटों पर अतिक्रमण, बांधों की क्षमता का समुचित आकलन न हो पाने आदि की वजह से पैदा होती हैं। नदियों के पाट सिकुड़ते और पेटा उथला होता गया है, इसलिए बरसात का पानी संभाल पाने की उनकी क्षमता काफ़ी घट गई है। उनका पानी उफन कर रिहायशी इलाकों को जलमग्न कर देता है। यही हाल गाद भरते जाने से बांधों का भी हो गया है। जब वे बरसात का पानी संभाल नहीं पाते तो बिना चेतावनी के उनके फाटक खोल दिए जाते हैं और पानी के वेग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं पैरा। मगर मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में बरसात की वजह से पैदा होने वाली दुश्वारियां वहां के नगर निकायों और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा अधिक होती हैं। मुंबई के अनेक इलाकों में बहुत सारे जर्जर हो चुके मकान खड़े हैं, जिनमें दर्जनों परिवार रहते हैं। अधिक बरसात होने से अक्सर ऐसे मकान धसक कर बैठ जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। इसी तरह पहाड़ी टीलों, नालों के किनारे बहुत सारी बस्तियां बसी हुई हैं, जिनके मकानों की न तो नींव सही से डाली है और न उनके ऊपर खड़ी मंजिलों के वजन का आकलन किया गया है। तेज बरसात से जब उन टीलों की जमीन धंसती है तो वे मकान भी जमींदोज हो जाते हैं। छिपी बात नहीं है कि ये सारी बस्तियां प्रशासन की जानकारी में बस्ती और अनियोजित तरीके से फैलती जाती हैं। आखिर पुराने पड़ चुके मकानों को खाली कराने और खतरे वाली जगहों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगमों की है, पर वे इससे आंखें चुराते देखे जाते हैं पैरा। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में अवैध खनन, अवैध निर्माण और सड़कों आदि के लिए होने वाली खुदाई के चलते पहाड़ दरक चुके हैं। नतीजतन भारी बारिश से उनके भूखंड खिसकने शुरू हो जाते हैं। उनकी जद में आने वाले मकान ध्वस्त हो जाते हैं। बरसात के वक्त मचने वाली तबाही को केवल कुदरत का कहर बताकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। हर साल बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को हलकान होना पड़ता है। अगर शहरों की बसावट को सुनियोजित किया जाए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो तो जलभराव की स्थितियों से
काफी हद तक पार पाया जा सकता है। ऐसे ही खतरनाक जगहों पर रह रहे लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवहारिक नीति नहीं बननी चाहिए। इस तरह हर साल होने वाले करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान और सैकड़ों लोगों की मौत को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत है। पैरा ओलंपिक के पहले दिन ही भारोत्तोलन में साइखोम मीराबाई चानू ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया। देश और चानू के लिए यह हासिल मामूली नहीं है। देश के लिए इसलिए कि दो दशक बाद भारोत्तोलन में कोई पदक मिला, और चानू के लिए इसलिए कि 2016 के रियो ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीत पाने के बाद भी उन्होंने जरा हिम्मत नहीं हारी और जज्बा बनाए रखा। अब चानू सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि वे लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है। चानू से पहले 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, यानी भारोत्तोलन में भारत को पहला रजत पदक दिलाने वाली चानू पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। चानू की उपलब्धि पर इसलिए भी गौर करना जरूरी है कि वे जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं, वहां खेलों में भविष्य बनाने का सपना भी आसानी से कोई देख नहीं पाता। पर बचपन से ही वजन उठाने की ताकत रखने वाली चानू की इस प्रतिभा को परिवार ने पहचान लिया था और उन्हें हर तरह से आगे बढ़ाया। तभी चानू ओलंपिक के मुकाम तक पहुंची। भारोत्तोलन प्रशिक्षण के लिए जिस तरह का संघर्ष चानू को करना पड़ा, वही उनकी कामयाबी की सीढ़ी भी बना। पैरा ओलंपिक में भारत की इस जोरदार शुरुआत से यह साबित हो गया है कि अगर खिलाड़ियों को उचित और पर्याप्त मौके मिले तो खेलों के मामले में देश झंडे गाड़ने में पीछे नहीं रह सकता। चानू से पहले रियो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली महिला खिलाड़ियों में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु को भी कौन भुला सकता है। इन खिलाड़ियों की ये उपलब्धियां इनकी अपनी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे की कहानियां ज़्यादा हैं। आज भी स्थिति यह है कि प्रतिभा तो खूब बिखरी पड़ी है, लेकिन संसाधनों के अभाव में यहाँ तक पहुँचना सबके लिए संभव नहीं होता। ये दोष हमारी खेल नीतियों का ही ज़्यादा है। स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के अगर प्रयास पहले से हो रहे होते हैं तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। ओलंपिक या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों की पिछले पदक तालिकाओं पर गौर करें तो भारत की स्थिति कई बिंदुओं पर सोचने को मजबूर करने वाली ही रही है। क्यों हम शीर्ष पांच में आज तक अपनी जगह नहीं बना सके? क्यों नहीं किसी खेल आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतकर दुनिया को यह नहीं दिखा पाए कि विश्व गुरु भारत खेलों में भी सबका गुरु है? जाहिर है कि इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। दुर्भाग्य तो यह है कि भारत में ज़्यादातर खेल संघ और संस्थाएं राजनीतिकों की मुट्ठी में रही हैं। ऐसे में नई प्रतिभाओं की तलाश का काम कौन और कैसे करता? पैरा चानू की कामयाबी देश के खेल जगत पर फिर से नज़र डालने का भी मौका है। देश में नई नई खेल प्रतिभाओं को खोजना सबसे बड़ा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो खेल संस्थाओं की कमान पूरी तरह से खिलाड़ियों के हाथ में ही सौंपनी होगी। तभी प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें तैयार करने का काम आसान हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि पिछले 5-7 सालों में खेलों की ओर सरकार का ध्यान न गया हो। अब कई राज्यों में खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना भी कर हो रहा है। एक सवाल यह भी है कि भारत में अब क्रिकेट जैसा खेल वैश्विक कारोबार का रूप ले सकता है तो और दूसरे खेलों में यह प्रयोग
क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए पहले तो सरकारों को ही करनी होगी। पैरा, भारत की 200 से अधिक आईटी कंपनियां दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। पूर्ण विराम।